हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे। और भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है, मेरे सारे व्यूअर्स को सफलता अपने मार्ग में मिलती रहे, आगे बढ़ते रहें। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 11 जुलाई और समय है करीबन 1:30 बज रहा है दिन का। तो मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, हॉस्पिटल्स में ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, तो घरों में जो दूध लगा है वो बांट के चले आए हैं। और उनको मैंगो शेक पीना था, तो मुझसे बोला कि 2 गिलास फटाफट मैंगो शेक बनाओ। तो वही मैं उनके लिए इधर तैयारी कर रही हूँ मैंगो शेक बनाने की। तो 2 गिलास उनके हो जाएंगे, 1-2 गिलास मैं भी पी लूँगी, अपने लिए भी बना रही हूँ मैं। और इस समय आम का सीज़न चल रहा है ना, तो हर घर में आम मिलेंगे ही मिलेंगे, फलों का राजा आम है। तो मुझे आम बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फटाफट से बनाकर दे देते हैं उन्हें मैंगो से। एक तो आम मैंने धुल के काट लिए थे और ग्राइंडर में भी डाल दिए हैं, तो अब डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी। चीनी मेरे पास ज़्यादा नहीं है और बनाया था, थोड़ी चाय के लिए भी बचा ली थी। और कम मीठा बना हुआ था, ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब अच्छा बना हुआ था पर मीठा थोड़ा कम था। आम तो वैसे भी मीठे होते हैं, पर थोड़ा सा चीनी डाल दो तो पानी पड़ता है ना, तो और थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो मेरा मैंगो शेक बनने के लिए तैयार है, तो थोड़ा सा मार डाल देते हैं पानी ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। उसके बाद देखेंगे, अगर ज़्यादा गाढ़ा हुआ होगा तो और डाल देंगे पानी। तो चलिए चल फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड करके ले आई हूँ मैं, क्योंकि वो जो मिक्सर है मेरा ना रूम में रखा हुआ है, किचन में जगह नहीं थी इतनी, तो मैंने अपने रूम में लगा लिया है, तो वहीं से ग्राइंड करके मैं ले आई हूँ। देखिए बढ़िया सा बना है, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, इसमें बर्फ़ बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि बर्फ़ इस समय थोड़ा बारिश का मौसम भी है और बर्फ़ ना उन्हें पसंद है ना मुझे, क्योंकि जैसे बर्फ़ का पानी ज़्यादा चिल्ड पीते हैं ना तो गले में खराश होने लगती है और मलगम सा जमने लगता है, तो नहीं मन करता है। तो मैंगो शेक हमारा तैयार है। और ऐसा क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड ना आम ले आते हैं, इतना आम लगा हुआ है फ्रिज में, पूरा आम से भरा पड़ा हुआ है फ्रिज मेरा। और इनको आम अब नहीं खाना होता है, सिर्फ सीधे मैंगो शेक बना दो वही पी लेंगे, क्योंकि झंझट ही नहीं रहता हाथ साफ करने का, छिकले कहाँ डालें अब। और जो आम खाओ बरसात के मौसम में, इतनी मक्खियाँ आ जाती हैं, तो बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। तो वो सीधे क्या बोलते हैं, जब भी गुड इवनिंग। तो हो गया है शाम का समय और चाय का समय हो गया। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, चाय ना पिए तो दिमाग फ्रेश ही नहीं होता, तो इसलिए अब बनाने जा रहे हैं इवनिंग स्नैक। तो उसमें मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। थोड़े से मूंगफली के दाने पड़े हुए हैं, थोड़े से घरेलू मसाले हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली के पकौड़े, या टेस्टी नमकीन बोल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो ले लिए हैं बेसिक से मसाले, इसमें लिया है आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। और मेरे पास कस्तूरी लाल मिर्च थी नहीं, तो वैसे मैंने नहीं डाला है, ये अलग रख दिया है बना के मसाला, फिर बाद में बताएंगे इसका क्या करेंगे। तो 1 कटोरी हमारे पास था मूंगफली, फिर आधा कटोरी ले लिया है बेसन, उसमें डाल दिया गरम मसाला, अब डाल रहे हैं स्वादानुसार नमक, फिर इसमें डाल देंगे चाट मसाला और थोड़ी सी हींग। चाट मसाला मैं चेक कर रही हूँ कि थोड़ा सा खराब तो नहीं हुआ, बरसात का मौसम है ना, इसलिए अब इसमें डाल दिया हींग। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मतलब मिक्स कर लेंगे। और इसको ना ज्यादा गाढ़ा बनाना है ना ही ज्यादा पतला बनाना है, मीडियम बनाना है। और थोड़ा सा पकौड़े वाला वैसा नहीं पेस्ट करना है, थोड़ा सा पकौड़े से पतला ही बनाना है ताकि मूंगफली में अच्छे से लग जाए। और मैंने एक बार बोला ना, 1 कटोरी बेसन है, 1 कटोरी मूंगफली है, तो आधी कटोरी मेरा बेसन है, इतना लेना है आपको। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए ऐसा एकदम पेस्ट बनना चाहिए। तो इधर इंडक्शन पे मैंने तेल चढ़ा दिया था, हाई फ्लेम पे तेल चढ़ा दिया, इसमें धुआं सा निकलने लगा था, तब इसको एकदम स्लो कर दिया है गैस को, मतलब इंडक्शन को। फिर उसके बाद चम्मच से चला रहे हैं, डाल के तुरंत चम्मच से चलाना है, हिलाना है कि सारे दाने अलग अलग हो जाएं। फिर बाद में जब अलग अलग हो जाए तो कलछी से निकालना तलना, क्योंकि चम्मच से डाल जैसे जैसे चम्मच से डालते जाओगे उसको पूरा वैसे ही हिलाओ कि अलग हो जाएँ सारे दाने, ऐसे हमको चलाना है। और एकदम धीमी आंच पे पकाना है, कम से कम 3 से 4 मिनट पकाना है दानों को, तब जाके एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो देखिए हमारी एक बारी बन चुके हैं,
तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी टेस्टी सी नमकीन हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर आपका घर पे मन करे ऐसे बनाने का तो आप बनाकर खा सकते हैं। सच में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। मेरे हस्बैंड बोल के तो गए थे कि चलो बनाओ, मैं मतलब चाय के साथ नाश्ता करूँगा, लेकिन कह के चले गए, अभी आए तक ही नहीं। तो बड़ी ही अच्छी नमकीन बनी हुई थी, और इंडक्शन पे बना रहे थे तो लाइट चली गई थी, तो थोड़ी इतनी ही बनी है। जब लाइट आएगी तब मैं पूरा बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बस ऐसी नमकीन बनके तैयार हुई है हमारी, बहुत ही टेस्टी। और खाए थे बाद में आकर, मेरे हस्बैंड ने तो तारीफ़ भी करी थी कि बहुत ही टेस्टी बनी है। और इसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद किचन का, क्योंकि लाइट आ गई थी, सारी नमकीन बना के रख दी थी। फिर ये समय जो है 5:30 का बीच का है, और कपड़े पड़े हुए थे उनके और मेरे, तो वही मैंने सोचा इनको साफ़ करके डाल देते हैं। और क्योंकि निकलना है मुझे, बाहर जाना है, और आपको अगर जानना है मुझे कहाँ जाना है तो ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़। तो मैं नहा धो के आ गई, कपड़े भी धुल के डाल दिए थे, तो नहा कर मैंने नाइटी ही पहन ली है, क्योंकि बाद में मुझे साड़ी पहनना है इसलिए। उसके बाद मैं आई तो फटाफट बालों में कंघी वगैरह कर ली थी, सिंदूर नहीं लगाया था, क्योंकि अभी अलमारी में कपड़े निकालने पड़ते हो, अंदर बहुत गर्मी लगती तो पसीना पसीना हो जाए तो मत्थे से सिंदूर बहने लगता है, तो पूरा मत्था जो रेड रेड हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा लाओ पहले कलर कर लेते हैं पैरों में, बाद में मेकअप करेंगे। और कहते हैं ना, कहीं जाओ घर से बाहर या फिर तीर्थ स्थान पर तो मतलब श्रृंगार करके ज़रूर जाना चाहिए, इसलिए मैं कलर अपने पैरों में लगा रही हूँ। आप समझ ही गए होंगे कहाँ निकल रहे हैं मेरी बातों से। तो फिर जो ना समझ पाया हो तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, फिर समझ जाएंगे। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, कुछ ऐसा लुक है मेरा। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी देर हो गई थी हस्बैंड का इंतज़ार करते करते, तो मैं छत पर टहल रही थी और मौसम का नज़ारा मतलब आनंद ले रही थी, नज़ारा देख रही थी। देखिए कि मेरे घर के आसपास बड़ा ही हरा भरा नज़ारा है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरे छत का नज़ारा। और देखिए मैं वॉक कर रही हूँ, रील भी मैंने बनाई थी एक, तो ज़रूर देखिएगा। फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरे हस्बैंड आ चुके थे। करीबन 7:30 बजे मैं निकली थी घर से, देख सकते हैं आप कितना अंधेरा हो गया है। तो बाइक पे बैठकर बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे, बाइक पे मतलब घूमते हुए बड़ा ही अच्छा लगता है। जब ठंडी ठंडी शाम को अधिकतर जब निकलो तो बड़ा ही अच्छा लगता है, जब ठंडी ठंडी हवा चेहरे पर लगती तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आ गई हूँ अपनी मंजिल पर। तो हाँ, मुझे यहाँ आना था चंडिका देवी, तो माता जी के दर्शन करने। बड़े दिनों से मतलब मन था कि हम अपने हस्बैंड जी के साथ में आए, माता जी के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। वैसे अकेले तो कई बार आए हैं, बहुत दिनों के बाद साथ में दोनों लोग आए हैं, तो बस माता जी का आशीर्वाद लेने का मन हुआ, तो दोनों लोग जन चले आए थे। तो आरती में भी दोनों लोगों शामिल हुए, आरती में ज़्यादा लोग नहीं थे, करीबन कम से कम 20-25 या 30 लोग ऐसे ही कुछ होंगे। तो आरती में भी शामिल हुए, क्योंकि आरती कम से कम 8-8 बजे होती है यहाँ पे, तो राइट टाइम पे पहुँच गए थे। उसके बाद आए हवन कुंड पे, तो इन्होंने भी हवन किया और पंडित जी से हाथ में कलावा बंधाया, और मैंने भी हवन किया था और पंडित जी से हाथ में कलावा बांधवाया था। और ये हमसे बोल रहे थे पंडित जी को दक्षिणा दे दो, मैं दक्षिणा देना भूल गया हूँ, तो फिर मैंने उनको पंडित जी को मैंने दक्षिणा भी दे दी थी। और उसके बाद और फिर यहाँ बरगद का पेड़ है, तो इसमें मन्नत की चुन्नियाँ बांधी जाती हैं, देखिए कितनी ढेर सारी बंधी हुई हैं। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की जो चुन्नी थी मैंने ही बांध दी, और कहते हैं यहाँ पे चुन्नी बांध के जो भी मन्नत मांगो वो ज़रूर पूरी होती है माता रानी की कृपा से। तो वही मैंने यहाँ पे चुन्नी बांधी, और फिर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैं धूपबत्ती जलाने की बार बार कोशिश कर रही थी, जली नहीं रही थी। और तो फिर वो जो दीदी बैठी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि लाओ भाभी मैं मदद कर देती हूँ, तो हमने कहा हाँ प्लीज़ कर दीजिए, तो उन्होंने दोनों हाथ से मतलब सहारा दिया, तब जाके मेरी धूपबत्ती जली।
तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पूजा करने के बाद थोड़ी देर ये मुझे मंदिर के ऊपर फिर से लेकर गए थे, तो वहाँ बैठे रहे, थोड़ी सी हवा खाई। और फिर आप लोगों से कहना है कि अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का मेरा प्यार भरा जय माता दी, राधे राधे।